हेलो गाइस, नमस्कार। अभी आपके सामने हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें ये कहता है दो टीमें हैं, तो टीम ए है और टीम बी है। टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे देख सकते हैं। टीम ए सिक्योर्ड मार्क्स, तो टीम ए जो है जब उसके राउंड चलते हैं वो अंक प्राप्त करती है -40 +10 +0। तो इस तरह से हम देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो -40 +10, 10 +0 तो 10 हुए, और ये -40 +10 कितने हुए, -30। तो इसको अगर हिंदी में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, टीम ए द्वारा प्राप्त अंक। और अगर इसके लिए लिखते हैं, टीम बी भी है यहाँ पे हमारी, टीम बी सिक्योर्ड मार्क, तो टीम बी कितने मार्क्स इसमें लेती है, ये हम इसमें दिया हुआ है 10 +0 -40। तो ये जो है 10 और 0 को ऐड करते हैं तो 10, और ये -40 तो आ गया -30। तो इस प्रकार से इसके अंक जो हैं इसके भी 30 हैं, तो दोनों द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर हैं। तो ये जो है हमारा, कह सकते हैं कि हम किसी भी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो मार्क्स का जोड़ जो है वो बराबर आता है। धन्यवाद। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी एक पार्ट में आपके लिए कर रहा हूँ। यह है हमारा -5 +-8 इक्वल टू, तो देखिए अगर हम जोड़ते हैं ये आगे पीछे करके इनको तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो इधर हम -5 लिख लेंगे। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, ये -5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सभी बच्चों से ये हम कह रहे हैं कि आपको हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है। और इक्वल टू है -53। अब इसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्या भरें, इसमें क्या जोड़ें, कितने आ जाए, तो 0 हम जोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, तो ये आपको सभी करने हैं, आपके लिए छोड़ रखे हैं ये। इसका ये है 13 -12, और एक यहाँ पे इसने ये छोड़ दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, और ये है इधर 13 -12 -7। देखिए -12 यहाँ से पता चल रहा है इधर क्या एक एक्स्ट्रा नंबर इसने लिया हुआ है, तो ये है हमारा -7। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये नंबर हम लिखेंगे -7। तो इसका ये थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ हो गया है, ये इसका फोर्थ पार्ट है। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये फोर्थ है, ठीक है। अगर 13 हमें इसमें दिखाना है तो हम 13 भी दिखा सकते हैं। 13 थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन 4 का, देखिए क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट अगर हम करना चाहते हैं तो थर्ड पार्ट में है कि 17 प्लस यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स और इक्वल टू 0, तो बताइए क्या इसमें हम लिखें, तो 17 के साथ में तो 0 आ जाए, तो क्या लिखेंगे, -17 लिखेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट। और ये अगर इसका हम फिफ्थ पार्ट करना चाहते हैं तो फिफ्थ पार्ट बिल्कुल सेम हमारा इसकी तरह से ही है। फिफ्थ पार्ट में बता रहा हूँ, ये है हमारा फिफ्थ पार्ट इसका -4 +15 -3। इस प्रकार से इसे सोल्व करना है। तो और ये हमारा इधर है -4 +15 और प्लस ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं,
देखिए इधर ये माइनस फोर फिफ्टीन माइनस थ्री, तो माइनस फोर और फिफ्टीन तो इसने ले ली, तो इसका मतलब माइनस थ्री यहाँ पे बचता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा, माइनस थ्री जो है यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। तो सभी बच्चे हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।